अब बारी है चटपटे चुटकुलों की। पहला चुटकुला भेजा है पटना से जसवंत कुमार सिन्हा जी ने। एक बार पत्नी ने पति से कहा, सुनो ना, कोई ऐसी बात कहो जिससे मैं खुश हो जाऊं और मुझे गुस्सा भी आए। कहो ना। पति ने बोला, तुम मेरी जिंदगी हो। और कहो। और लाना था इस जिंदगी पे। अगला चुटकुला भेजा है रुपेश कुमार अग्रवाल जी ने गोपालगंज से। एक बार एक मरीज ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, चश्मा लग जाने के बाद मैं देख पाऊंगा ना? हाँ भाई, बिल्कुल देख पाएंगे आप। धन्यवाद, वरना अनपढ़ की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। अगला चुटकुला भेजा है दीपक कुमार यादव जी ने पूर्णिया से। एक बार ऑपरेशन के बाद मरीज ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, अब मैं रोग मुक्त हूँ। आवाज आई, डॉक्टर तो नीचे रह गया, मैं चित्रगुप्त हूँ। अब बारी है फरमाइशी नगमे की, और फरमाइश किया है सायरा खातून जी ने मुजफ्फरपुर से कि हम उनकी पसंद के दो गाने सुनाएं। सायरा जी, आपकी पसंद के दो नगमे। अगला चुटकुला भेजा है सोनू शेख ने मुजफ्फरपुर से। एक बार एक आदमी ने बाबा से कहा, बाबा, पत्नी से बहुत पीड़ित हूँ, कोई उपाय बताइए। बाबा ने कहा, बगल में एक चटाई लगा के बैठ जाओ। अगला चुटकुला भेजा है अजय कुमार तोमर जी ने कटिहार से। एक बार किराए पे रूम लेने के लिए एक आदमी एक पुराने घर में गया। एक बुजुर्ग आदमी से पूछा, जी हमने सुना है यहाँ भूत रहते हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बुढ़े ने कहा, भूतों का ना पूछो मुझसे हाल, मुझे तो मरे हो गया 15 साल। अच्छा। अगला चुटकुला भेजा है बबलू कुमार चौरसिया जी ने मुंगेर से। एक बार एक शराबी अपनी आंख दान करने गया और दान करते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, जिस भी आदमी को मेरी आंखें लगेंगी उससे कह दीजिएगा कि हमारी आंख 2 पैग लगाने के बाद ही खुलती है। भैया, चटपटे चुटकुलों के बाद 3 गानों की बारी है, क्योंकि चुटकुले पे हंसना होता है फिक्स। इसलिए सुनिए गाना नंबर 8, 7 and 6।